वसुंधरा सम्मान रविवार 14 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुविख्यात कवि लेखक संपादक लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा सम्मान प्रदान करेंगे। वसुंधरा सम्मान महात्मा गांधी की परिकल्पना के विनम्र ग्राम सेवक कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रदत्त किया जाता है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से लोक जागरण की मासिक पत्रिका कृति वसुंधरा एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन का ये निरंतर 22वां आयोजन है। वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 40वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को देश के सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार विष्णु नागर पत्रकारिता की परंपरा एवं वर्तमान परिदृश्य विषय पर समारोह को संबोधित करेंगे। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन अपने सवा सलाह सेवा और समाधान के तहत सेवा की भावना से अधिभूत होकर छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा स्वर्गीय कृति देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में दिए जाने वाले वसुंधरा सम्मान में आयोजन समिति के रूप में वहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। वास्तव में फाउंडेशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के समाज में होने वाली चीज़ों को चिन्हित करना और उनके लिए कार्य करना है। ऐसी स्थिति में कीर्ति देवी प्रसाद चौबे जी अपने अल्पायु में किंतु उनके लेखन में उनकी पत्रकारिता में जो विशेष योगदान है इसको देखते हुए श्री वसुंधरा सम्मान से जुड़ा हुआ है और अपने आप को इस विषय के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। इस वर्ष का जो वसुंधरा सम्मान दिया जा रहा है वो इस देश के बहुत प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यिक पत्रकारिता में जिनका बहुत बड़ा नाम है श्री लीलाधर मंडलोई और जिनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ का जनजीवन बहुत करीब से दिखता है, खास करके जो जनजातीय समाज है उसके जीवन पर जो लीलाधर मंडलोई ने लेखन किया है वो बहुत उसकी कोई दूसरी मिसाल हमारे यहाँ है नहीं। तो लीलाधर मंडलोई को यह सम्मान दिया जा रहा है उनके साहित्यिक लेखन के लिए। इसके अलावा उन्होंने दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर रहते हुए इस देश के बहुत जो बड़े व्यक्तित्व हुआ करते थे, वो चाहे लेखन के क्षेत्र में हों या समाज सेवा के क्षेत्र में हों या राजनीति के क्षेत्र में हों, उन पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अंडमान निकोबार के आदिवासियों पर उनका एक बहुत बड़ा काम है, तो इस तरह से हम लोगों ने उनका चयन किया है। श्री दिवाकर मुक्तिबोध जो बड़े नामी पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी अध्यक्षता में एक निर्णायक समिति बनी थी जिसमें मैं, हमारी आयोजन समिति के अध्यक्ष जो हैं श्री अरुण श्रीवास्तव, जनवादी शायर मुमताज, एक बड़े पत्रकार संपादक ईवी मुरली और समीर दीवान और श्री राजेश गनोद वाले, ये सब निर्णायक समिति के सदस्य थे। तो हमने इस निर्णय लेकर के श्री लीलाधर मंडलोई का नाम इस बार के सम्मान के लिए प्रस्तावित किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए लीलाधर मंडलोई की क्या देन है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ का जो लोक समाज है और छत्तीसगढ़ का जो लोक जीवन है, खास करके यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति है उसके संदर्भ में लीलाधर मंडलोई का जो संपूर्ण लेखन है, वो चाहे उनके कविता संग्रह हों चाहे उनके डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने किया है, इन सारी उनके जो क्रिएशंस हैं उन सभी में यहाँ का लोक जीवन बहुत गहराई से दिखता है।